नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने जा रही है। आपसे अनुरोध है वीडियो पूरी देखना है। ऐसी वीडियो आज तक आपने यूएसए के यूट्यूब चैनल पर देखी होगी। इंडिया में इतना डीप एनालिसिस और इस तरह की वीडियो कोई नहीं बनाता, ये मेरा दावा है और आप वीडियो देखकर समझ भी जाएंगे। और मेरे नए चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी अंत तक देखें, यह विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये दोनों शक्तिमान की स्फेरिकल बॉल हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल अंतर इतना है, कार्डबोर्ड वाली गत्ते वाली है और एक प्लास्टिक वाली है। ये 2021 के लास्ट का लॉट है, 2022 ही मान लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट। और ये बहुत पुराना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 20 साल पुराना होगा। इसमें ज़्यादा पाउडर चार्ज होता है और इसकी बॉल भी ज़्यादा हैवी है, लगभग 1 ग्राम हैवी। इसमें जो बॉल है वो 30.5 30.5 ग्राम की है, इसमें 31.5 ग्राम की बॉल है गत्ते वाले में। पाउडर चार्ज भी इसमें लगभग 1.5 ग्राम होता है और इसमें 1.85 ग्राम है। तो इनका आज हम पेनिट्रेशन अपनी रॉयल लांस मुंगेर की पंपेक्शन से करेंगे लोहे की प्लेट्स पर। देखते हैं कि कौन ज़्यादा पेनिट्रेशन देता है, गत्ते वाला है प्लास्टिक वाला। वीडियो बड़ी रोमांचक और बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इस तरह की वीडियो कोई भी चैनल वाला नहीं बनाता था। आपसे अनुरोध है अधिक से अधिक प्रोत्साहन करें और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको और देखने में मिलेगी। धन्यवाद। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अब तो ये है हमारी स्टील की लोहे की प्लेट, ये है। कुछ तो पतली हैं, 1 2 3 4 5 5 तो पतली हैं और 6 7 8 9 10 ये बाद की बहुत हैवी हैं। देखते हैं कितनी हैवी और कितनी पतली स्फेरिकल बॉल जो है ये पार कर पाती है। सबसे पहले हम ये चलाएंगे प्लास्टिक वाली। पहले वाली बोल का रिजल्ट नए वाली स्फेरिकल प्लास्टिक का, ये एक पतला लोहा, ये दूसरा पतला लोहा, तीसरा पतला लोहा, चौथा, पांचवा पतला लोहा, छठा पतला लोहा और सातवां पतला लोहा और आठवें में ये देखिए गहरा डेंट। 8 इसने जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं। देखिए मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पहली प्लास्टिक वाली का ये एंट्री, ये एग्जिट, ये दूसरा पतला लोहे का पत्ती इसकी एंट्री, ये इसकी एग्जिट, ये तीसरी पत्ती ये इसकी एंट्री, ये इसकी एग्जिट, ये चौथी ये इसकी एंट्री, ये एग्जिट, ये पांचवी की एंट्री, पांचवी की एग्जिट। अब ये छठी हैवी प्लेट देखिए, इसकी एंट्री, ये इसकी एग्जिट, इसमें बैटरी कवर हो गई है छठी में। ये सातवीं हैवी प्लेट देखिए कितनी मोटी है, कम से कम 18 kg की होगी, 18 या 16 kg की। ये इसकी एंट्री, ये इसकी एग्जिट और ये आठवीं की एंट्री, मतलब इसमें गहरा डेंट दिया है, पार नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट पार होने की कगार पे था। और ये बॉल नीचे पड़ी हुई रिकवर होगी, इसको हम अलग उठा लेते हैं। अब हम ये गत्ते वाला स्फेरिकल बॉल इन प्लेट पर चलाएंगे, देखते हैं। इसने तो इस प्लेट तक डैमेज दिया है और अब देखते हैं कितनी देती है गत्ते वाली। एक अंक कम दे दिया है ज़्यादा जी। गत्ते वाली है ये हम इसमें डाल रहे हैं, डल चुकी है और हम टैप करने के लिए तैयार।
ये गत्ते वाला शक्तिमान का वो है, ये गत्ते वाला ये फायर हो चुका है और ये इसका फोका हल्का स्प्लिट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ओवर प्रेशर की वजह से ये गत्ते वाले का निशान है, इसकी वेड ये टकरा करके नीचे रिकवर हो गई थी। ये पहली स्टील प्लेट, ये दूसरी स्टील प्लेट और इसका आप ये एंट्री देखिए, पहली का एग्ज़िट लगभग सेम है, लेकिन अब आप देखेंगे इसका होल थोड़ा सा बड़ा है, इसका छोटा है क्योंकि वो बोल बड़ी है। ये दूसरा, दूसरे की एंट्री, ये इसकी एग्ज़िट, इसकी बड़ी एग्ज़िट है गत्ते वाले की। तीसरे मैं देखिए तीसरे का कितना बड़ा होल है, और प्लास्टिक वाले का, प्लास्टिक वाले से बड़ा डैमेज दिया है। ये देखिए तीसरा, तीसरे की ये गत्ते वाले की एंट्री है, प्लास्टिक वाले की एंट्री, ये चौथा, चौथे की एंट्री और चौथे की एग्जिट, ये पांचवा पतले वाला है, पांचवे की एंट्री और ये पांचवे की एग्जिट, ये गत्ते वाले की, प्लास्टिक वाले की। अब ये छठा हैवी बोर्ड आ गया, ये देखिए इस छठे हैवी वाले लोहे की प्लेट की ये एंट्री और इसकी ये एग्जिट, ये देखिए कितना बड़ा इसने हो दिया है और ये हमें बोल भी रिकवर हो गई है। ये देखिए ये सातवां होल, ये इसकी एंट्री, सातवें को लगभग लगभग इसने पेनिट्रेट कर दिया है और आठवें में डेंट दिया है। ये देखिए ये आठवें की बल्जिंग है, तो लगभग लगभग सेम रिजल्ट रहा है, मामूली बल्जिंग प्लास्टिक वाले ने ज़्यादा दी है क्योंकि प्लास्टिक वाले में गैस सील वेड होती है और इसमें नॉर्मल वेड थी जो पहले में ही टकरा करके ये निशान भी है बाहर आ गई थी, तो उससे क्या स्टेबिलिटी रहती है। और ये आप इसका रिकवर बॉल देखें, ये गत्ते वाली बॉल है और प्लास्टिक वाली बॉल भी यही है। तो कुल मिलाकर के आठ लोहे की प्लेटें पार हुई हैं, दोनों का सेम टू सेम रिजल्ट रहा है। ये लास्ट वाली प्लेट है, ये गत्ते वाले का डैमेज, ये प्लास्टिक वाले का डैमेज, मामूली डैमेज ज़्यादा दिया है, बल्जिंग थोड़ी ही ज़्यादा है, ये गत्ते की बल्जिंग, ये प्लास्टिक की बल्जिंग, पार कोई नहीं हुई, तो लगभग लगभग हम सेम कह सकते हैं। अब इसमें आप ये देखिए 20 साल पुराना कारतूस है, फिर भी जो है इतना अच्छा इसने प्रदर्शन दिया, ये भी एक बड़ी बात है। और बाद की हैवी प्लेटें बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब इनका सोलो मोशन भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये प्लास्टिक वाली, इसका वजन करते हैं, हमें कितना रिकवर हुआ है, 29.1 ग्राम इसका रिकवरी वेट है और ये 30.5 ग्राम का होता है। अब हम गत्ते वाली का वजन चेक करते हैं, ये गत्ते वाली बॉल है 31.3, आप देखिए गत्ते वाली में जो हैवी वेट है 31.2 ग्राम इसका वजन है, ये बॉल गत्ते वाली है और ये प्लास्टिक वाली है हल्के वाली। पहले का डायमीटर भी ज़्यादा होता था और अब पहले थी जो ड्राई मोटर थी 17.6 mm के आसपास थी, अब ये 17.4 mm, 0.2 mm का डायमीटर भी ज़्यादा था और सबसे बड़ी बात है वेट में भी ज़्यादा थी, ये 32 ग्राम के आसपास है और ये अब 30 ग्राम हो गई, 1.5-2 ग्राम का वजन का भी फ़र्क है। तो आपको हमने दिखा दिया, ये देखिए ये हो गई। दोस्तों हम वर्नियर कैलिपर से आपको शक्तिमान बॉल का आपको दिखा देते हैं नाप। ये देखिए दोस्तों, ये हमने वर्नियर में नाप लिया है डिजिटल में, तो 17.43 mm यानी 17.4 mm बॉल का साइज है 690 कैलिबर। ये देखिए दोस्तों, नए वाली शक्तिमान बॉल का वेट 30.2 ग्राम और ये वेट के साथ 33.5 ग्राम वेट। दोस्तों ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये 2019 लोट की बॉल है, इसका वेट 1.63 ग्राम है, लेकिन अब जो 2021-22 वाली नई लोट की बॉल है उसमें मात्र 1.5 ग्राम कर दिया है, पाउडर चार्ज और ज़्यादा घटा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। ये गत्ते वाली शक्तिमान की बॉल्स लगे, इसका आप वेट चेक कर सकते हैं 31.5 ग्राम, और जबकि पहले वाली जो आपने देखी थी वो प्लास्टिक वाले की थी, प्लास्टिक वाले का डायमीटर थोड़ा सा कम है और वेट भी हल्का है, तो आप देख सकते हैं। अब हम जो है दोस्तों विश्लेषण कर रहे हैं, ये आप देखिए ये प्लास्टिक वाले का इम्पैक्ट है, इसके बाद अब हम देखते हैं गत्ते वाले का इम्पैक्ट। तो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है गत्ते वाले का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है प्लास्टिक वाले के मुकाबले, पावरफुल गत्ते वाला ही था, ये आप साबित हो चुका। दोस्तों इसी तरह की और वीडियो के लिए आप अगर चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं, आपको और अच्छा अधिक कंटेंट देखने मिल जाएगा इस वीडियो को बनाने में भी।
काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आई, 10 किलो लोहे की प्लेट खरीदी जिसमें थोड़ी बची भी हुई हैं और काफ़ी कॉस्टिंग आती है अच्छी वीडियो बनाने में। अगर आप चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसके लिए आप अपने मोबाइल के गूगल पे या फ़ोन पे से स्कैन करें और यथाशक्ति अपना आप अंशदान चैनल के प्रगति के लिए दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।